महेंद्रगढ़ के सतनाली कस्बे में तीन अज्ञात लुटेरे पिस्टल के बल सराफा व्यापारी को लूटने आए थे, लेकिन व्यापारी की हिम्मत से लूट की वारदात नाकामयाब हो गई। घटना की सारी गतिविधि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दो अज्ञात लुटेरे व्यापारी को पिस्टल दिखाकर लूटने की वारदात को अंजाम दे रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दिया एक आरोपी को धर दबोच था। वही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल सिद्धार्थ जैन से भी मिला। इस रोनकार समाज के ऊपर दिन दहाड़े एक डकैती डालने का प्रयास किया गया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लुटेरों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके जो एक बात की और उनको कड़ी सजा दिलवाने का काम करें। और एएसपी साहब से भी मिले थे, इन्होंने हमें बहुत आश्वासन दिया है। और हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि सरकार भाइयों को जल्दी से जल्दी अपनी आत्म रक्षा के लिए कुछ लाइसेंस जारी किए जाए, जो अनिल विज साहब ने भी आश्वासन दिया था और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था। और आज एएसपी साहब ने भी यही आश्वासन दिया है कि जल्दी ही सरकार समाज को आत्म रक्षा के लिए कुछ लाइसेंस जारी किए जाएंगे। क्या अभी जिस तरह से आप एएसपी साहब से मिले थे, कोई परिवार की सुरक्षा या व्यापारी की सुरक्षा को बात की गई? हाँ जी, आज जिस तरह से इनकी जो सुरक्षा की बात की, इनकी सुरक्षा की बात की थी, इन्होंने लाइसेंस की फाइल पहले लगाई थी, वो नहीं हो पाई थी। आज एसपी साहब ने कहा कि सबसे पहले आपका ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। ठीक है। और हमें देखिए, आज 25 सितंबर को सतनाली एरिया में महालक्ष्मी ज्वेलर्स पे तीन लुटेरों ने लूट करने की कोशिश करी, जो एक बाइक पर आए थे। ये लगभग 1 बजे के आसपास की घटना है और इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी फुटेज, वो मैंने खुद ने देखा। एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्वर्णकार थे वहाँ पे और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से दो लोगों को, जो उसमें दो लुटेरे थे, उनको पकड़ा गया और तीन हथियार उनसे बरामद किए गए और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। दादाजी, और 12:30 बजे का टाइम था, तीन जने बाइक पे आए और आते ही उन्होंने पिस्टल तान दी मेरे ऊपर और उन्होंने सामान डालना शुरू कर दिया। उन्होंने एक जने ने अपना वट मेरे एक शीशे के ऊपर मारा ज़ोर से, और जैसे ही उन्होंने मैगजीन को लोड किया, वैसे मैंने उसके ऊपर टम्फी डाल दी और उसको पकड़ लिया मौके पर। जैसे और आरोपी थे वो पकड़ में आए, क्या रहा? दो जने पकड़े गए जी और अभी एक फरार है। तो अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई, क्या कार्रवाई हो पाई है? पुलिस की कार्रवाई ये है जी, अभी उनको ढूंढ रही है, जो एक बंदा फरार है, दो को पकड़ लिया उन्होंने, मौके से मोटरसाइकिल और तीन पिस्टल उन्होंने बरामद कर लिए। जो आरोपी हैं उनको पहचानते हैं या पहले भी आते रहे? नहीं जी, पहचानते नहीं, वो मास्क लगा के आए थे। कितने बजे घटना है ये? 12:30 बजे के आसपास है जी। धन्यवाद। हमने आज दिन दहाड़े हमारे सतनाली के एक व्यापारी के साथ, सरणकार व्यापारी के साथ दिन दहाड़े जो वारदात हुई, ये बहुत गलत वारदात हुई, परंतु यह वारदात हमारे लिए, हमारे व्यापारी के लिए एक सबक भी, एक मजबूती भी है। हमारे व्यापारी भाई ने मजबूती से एक सिपाही की तरह, जो सिपाही काम नहीं करता वो काम हमारे व्यापारी ने किया है। इससे हम सभी व्यापारियों को एक प्रेरणा मिलती है कि हम कभी भी कोई किसी वारदात कभी भी किसी के साथ भी कर सकती है। हमें उस मोहन लाल सोनी व्यापारी की तरह